जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे डिफेंस विभाग में आई हुई वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के अंतर्गत ये वैकेंसी रहने वाली है और यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का जो है ये संस्थान है। ये की गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज 1 से लेकर 7 मई 2021। इस भर्ती से जुड़ी पूरी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानते हैं। यहाँ पर वैकेंसी जो रहने वाली है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है रहने वाली है, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन आपने देखा है और यहाँ पर इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर भी जाके आप देख सकते हैं। हम इसको जानते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स क्या है, किस टाइप से क्वालिफिकेशन है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसके ऑनलाइन आवेदन भी आज ही से जो है शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हैं पूरी डिटेल्स को। ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है, ठीक है, dssc.gov.in, ठीक है। इस पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट आप लोगों को दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर हम पूरी डिटेल्स को जानते हैं। डीएसएससी रिक्वायरमेंट 2021, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पोस्ट का नाम रहने वाली है वो रहेगी LDC MTS की पोस्ट रहेगी और अदर भी यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है। टोटल यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो 83 वैकेंसी है जो कि अलग अलग यहाँ पर पोस्ट रखी गई है। एप्लीकेशन कैसे आप लोगों को फिलअप करना, ये ऑफलाइन तरीके से जो है रहने वाला है, ठीक है। इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके इसका फॉर्म आप लोग जो है डाउनलोड करेंगे, ठीक है। वैसे इसका फॉर्म फिलअप का वीडियो मैं देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, ठीक। यहाँ पर अगर देखिए तो कैटेगरी जो रहेगी वो गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, ठीक है। जॉब लोकेशन रहेगी तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में यहाँ पर जो है ये जॉब लोकेशन आप लोगों की रहने वाली है। बात करें तो यहाँ पर हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पर भारत से किसी भी राज्य से अगर आप है तो आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पर योग्यता है, तो देखिए 10वीं अगर पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 12वीं भी यहाँ पर योग्यता मांगी गई है और डिग्री भी, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर रखी गई है। मिनिमम आप 10वीं पास होना चाहिए। एज लिमिट देखते, देखिए एज लिमिट यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो एज लिमिट 18 से लेकर जो है 25 साल रहेगी और ST SC को यहाँ पर 3 साल रहेगी छूट और OBC को ST SC को यहाँ पर 5 साल और OBC को 3 साल की छूट रहेगी, ठीक है। सैलरी यहाँ पर अलग अलग रही है, ठीक है। सैलरी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अगर देखिए तो देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन होगा आप लोगों का, इंटरव्यू होगा आप लोगों का, उसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर जो है अभी मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। मैं आप इसको ऑफिशियली जो है और जब PDF डाउनलोड करेंगे तो ये आप लोगों को मेंशन हो जाएगा कितने एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर लगने वाली है। ऑफिशियली वेबसाइट मैंने जैसा कि आप लोगों को बता दिया। तो देखिए फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 1/5/2021 से लेकर जो है 21/5/2021 तक इसके फॉर्म आप भरेंगे, ठीक है। अब आगे की डिटेल्स जानते हैं। यहाँ पर आप उससे पहले देखेंगे अनएकेडमी के बारे में। मैं आप लोगों को बता दूँ, अनएकेडमी इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और अभी लॉकडाउन के समय में काफ़ी बेटर है आप लोगों के लिए हो सकता है। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनएकेडमी पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप पूल जो है चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, तो और स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग लेते हैं तो आप लोगों को जो है यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है वो भी जीतने का मौका मिल सकता है, ठीक है। एवरी संडे यहाँ पर जो है 12 बजे टेस्ट शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा सुपर 10, तो आप लोगों को 10% तक का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और घर बैठे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी वो 4 है, ठीक है। लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो वैकेंसी वो 10 रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर फिर जो आप लोगों का सिविलियन मोटर ड्राइवर है उसकी 7 वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पर भी अलग अलग जो वैकेंसी यहाँ पर दी हुई, टोटल वैकेंसी MTS को मिलाकर जो है 83 वैकेंसी है, ठीक है। और 18 से 27 और 18 से 25 ईयर यहाँ पर एज लिमिट है, ठीक है। आगे यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए क्या अलग अलग यहाँ पर पोस्ट दी हुई है, ठीक। यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से इसको देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सैलरी की बात करें तो देखिए 25,000 से लेकर यहाँ पर 81,000 तक सैलरी रहने वाली है, ठीक है। सैलरी काफ़ी यहाँ पर रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो इंटरव्यू होगा और उसके बाद टेस्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप बात करें तो आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 21 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फॉर्म फिलअप की वीडियो का जो है देने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।